गाड़ी हिल नहीं रहा, कितना मुश्किल हो रहा है इनको ले जाने में। देखिए आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इनको भी। इनका मजबूरी है, मिल वाला कहता है कि ज़्यादा लेके जाइए नहीं तो काम नहीं देंगे, ओवरलोडिंग ले जाइएगा, तो गलत बात है चाचा। ये बताइए, ये रोड आपका तो नहीं है कि आप ही एक चलाइएगा, पूरा रास्ता जाम कर दे रहे हैं आप, गलत बात है कि नहीं है ये बताइए, है कि नहीं है, सिर्फ इतना बता दीजिए, गलत काम है कि नहीं, गलत है ना। तो आपसे ले जाइएगा ओवरलोडिंग, आप पक्का नहीं ले, हाथ मत जोड़िए, आप बड़े हैं, हम आपके पैर पड़ रहे हैं, लेकिन आपसे मैं पैर पड़ता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए हमारे पीछे एक ट्रैक्टर आ रहा है जिसपे इतना ज़्यादा माल लादा गया है कि उसके अलावा कोई दूसरा बड़ा गाड़ी या फिर बाइक को भी जाने में कठिनाई हो रही है। चाचा को हम थोड़ा सा इधर रुकाएंगे और उसके बाद इनसे पूछेंगे कि इनके बाबूजी का रोड है कि किसका रोड है। चाचा इधर लगाइए गाड़ी, साइड कीजिए, रुके इधर साइड कीजिए गाड़ी, वहाँ साइड कीजिए, आइए ना आइए। देखिए इनसे पूछेंगे कि आखिर इनके रोड इनका बनाया गया है, इनके खानदान द्वारा बनाया गया है या फिर रोड सरकार ने बनाया है और जनता का टैक्स लगा हुआ है। सोचिए ये तो 2 रुपया कमा लेंगे ज़्यादा, लेकिन जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनके देह पर अगर ये ट्रैक्टर पलट गया तो सभी लोग मरेंगे, और ट्रैक्टर पलटेगा ही पलटेगा, हमेशा हादसा होता रहता है ऐसे ऐसे लोगों की वजह से। देखिए इतना ज़्यादा ही माल लादे हुए हैं और कहीं ना कहीं पलटेगा। देखिए एक बात बताइए चाचा, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? मोतीलाल। इतना कितना साल से ट्रैक्टर चलाते हैं, कितना साल से चला रहे हैं गाड़ी? 30 साल हो गया। एक बात बताइए, आपका परिवार है कि नहीं है? है ना। एक बात बताइए, जैसे आप लेके जा रहे हैं कितना लोगों को दिक्कत हो रहा है यहाँ? बीज के मामला है, बीज बुआई नहीं हो पाई तो लोग किसान के कहाँ नहीं ना, किसान के ठीक बा, लेकिन इतना ज्यादा रोल ले जाता नहीं हमारा बुझाता गाड़ी और प्लॉट कब जाए कौन ठीक नहीं, कहीं ना हो पाएगा कुछ भी नहीं हो जाएगा, लेकिन ओवरलोडिंग ले जाइएगा तो गलत बात है चाचा। ये बताइए, ये रोड आपका तो नहीं है कि आप ही एक चलाइएगा, पूरा रास्ता जाम कर दे रहे हैं आप, गलत बात है कि नहीं है ये बताइए, है कि नहीं है, सिर्फ इतना बता दीजिए, गलत काम है कि नहीं, गलत है ना। तो आपसे ले जाइएगा ओवरलोडिंग, आप पक्का नहीं ले, हाथ मत जोड़िए, आप बड़े हैं, हम आपके पैर पड़ रहे हैं, लेकिन आपसे मैं पैर पड़ता हूँ कि आप तो आगे से ऐसे ओवरलोडिंग मत ले जाइएगा, नहीं ले जाइएगा ना, वादा करते हैं एकदम नहीं ले आएंगे हम, जितना लिमिट है उतना लेके जाइए क्योंकि बहुत तकलीफ हो रहा है लोगों को, पक्का ले जाइएगा इसके बाद से, जितना लिमिट है उतना लेके जाइएगा। हाँ नहीं लाएंगे सर, हम लोग मिल वाले ना मंगाते हैं लोग, बोलिएगा मिल वाले के कि मिल में तबे काम करेंगे जितना हमारे हिसाब से ले जाइएगा, ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जाइए इधर लेके आइए। देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा था, हम क्या बोले, बुजुर्ग हैं हमारे दादाजी के उम्र के हैं, इनको क्या बोले, लेकिन देखिए गाड़ी हिल नहीं रहा, कितना मुश्किल हो रहा है इनको ले जाने में। देखिए आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इनको भी, इनका मजबूरी है, मिल वाला कहता है कि ज़्यादा लेके जाइए नहीं तो काम नहीं देंगे। सोचिए, लेकिन इनसे मैंने वादा करवाया कि आगे से नहीं ले जाएंगे, और इन्होंने वादा किया है, कसम खाया है कि आगे से इस तरह से ज़्यादा, देखिए कि दिखाइए एक बार, इतना ज़्यादा है कि ये अकेले एक ट्रैक्टर पूरे रास्ते को जाम कर दे रहा है, और जितने भी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं जैसे स्कॉर्पियो और भी जो 3 चक्के वाली गाड़ी होती है, देख सकते हैं, देखिए कितना दिक्कत हो रहा है, देखिए रुकना पड़ रहा है सभी को। दिखाने का ये मतलब था कि ज़बरदस्ती किसी से काम न करवाया जाए, और जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मैंने क्या मेरा जो प्रयास था सही था कि नहीं था इस बात को भी जरूर बताएगा। इस तरह से ओवरलोडिंग ले जाया जाता है, सबसे ज़्यादा सड़क हादसा बिहार में, भारत में हो जाता है। चलिए मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।